फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। फिर से आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। मैलानी पीलीभीत रूट पर पड़ने वाले सबसे पहले हॉल्ट का अकेला हंसपुर हॉल्ट, जो मैलानी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है, स्लीपर बकायदा डाल दिए गए हैं। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, तो उस समय यहाँ पर बैलास नहीं डाली गई थी और ना ही स्लीपर बिछाए गए थे, ना ट्रैक। ये मैलानी की दिशा में रूट जा रहा है और जहाँ पर ये पटरी टूटी हुई है, तो यहाँ तक ट्रैक बिछाने का काम कर लिया गया है और बकायदा जो फिश प्लेट हैं या जो इसमें क्लिप्स हैं फंसाने का काम जो ट्रैक में करती हैं, वो भी इसमें लगा दी गई हैं। ये जो वीडियो भेजा है, ये गोपाल भाई ने भेजा है, जो कि अकेला हंसपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक छोटा सा और अच्छा सा अपडेट हमें बनाकर भेजा। गोपाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से हम अकेला हंसपुर हॉल्ट का वीडियो दिखा पा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को। ये हैं गोपाल भाई, हम भी चाहते हैं आप लोग गोपाल भाई का शुक्रिया अदा करें, जिनकी बदौलत हम आपके ज़रिए आप लोगों तक अपडेट पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच गोपाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा यहां से नज़ारा देखिएगा, ये मैलानी की दिशा में रूट जा रहा है और यहां पर भी अभी देखिए स्लीपर के ऊपर पटरियां डाल दी गई हैं, लेकिन अभी जो ट्रैक बिछाने का काम है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। और संभावना यही जताई जा रही है कि जैसा कि गोपाल भाई का कहना है कि जो ट्रैक बिछाने का काम है हॉल्ट तक, वो कल शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मजदूर वगैरह भी लगे हुए हैं और ये जो हॉल्ट का प्लेटफॉर्म है ये भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, और जो दाएं दिशा में है, तो यहाँ पर जेसीबी मशीन खुदाई का काम भी कर रही है। तो बकायदा मिट्टी पटान का काम दूसरे साइड में किया जा रहा है, जिससे कि बाउंड्री बने रहे और ये जो इंटरलॉकिंग वाली ईंटें हैं ये नीचे ना खिसके। हॉल्ट पर ज़्यादा काम नहीं होता है, फॉर्मेलिटीज ही होती हैं, और क्योंकि सिंगल लाइन होती है और खाली एक प्लेटफॉर्म बनाया जाना होता है, इस वजह से ज़्यादा काम नहीं रहता है। ये पीलीभीत की दिशा में रूट जा रहा है और गोपाल भाई ने जब इन मजदूरों से पूछा कि ये ट्रैक पूरी तरह से इस हॉल्ट तक कब तक बिछा लिया जाएगा, तो इन मजदूरों का कहना था हम कल शाम तक की जो आगे चौराहा पड़ता है पीलीभीत की दिशा में, जहां पर अभी बैलास नहीं डाली गई, वहां तक हम कल शाम तक पूरा काम कर लेंगे। तो अभी हम आपको उस चौराहे पर भी ले जाएंगे जहां पर बैलास नहीं पड़ी है। तो देख सकते हैं यहाँ मजदूर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे थे तो थोड़ा सुस्ता रहे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और कुछ खा रहे पी रहे हैं भी होंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पीलीभीत की दिशा में रूट जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है, खुशी की बात, कि कम से कम मैलानी से अकेला हंसपुर तक जो 5 किलोमीटर की दूरी है वो कल शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। और अब ये कहने को आ जाएगा कि कम से कम जो मैलानी की दिशा से ट्रैक है वो 5 किलोमीटर तक बिछा लिया गया है, पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो पा रहा था, अब जाके ये काम हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छे तरह से बनाए गए हैं हॉल्ट पर। और आप लखनऊ मंडल में देखें तो जहाँ पर जो हॉल्ट हैं वहाँ पे खड़ंजा लगाए गए हैं। अब देखिए हम लोग पीलीभीत की दिशा में आ गए हैं, यहाँ पर ये केबिन है, यहाँ पर क्रॉसिंग बनाई जाएगी और देख सकते हैं पीलीभीत की दिशा में रूट जा रहा है। आगे बैलास डाल दी गई, लेकिन ये जो हिस्सा है जहाँ पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पर बैलास नहीं डाला गया है। बाकी जहाँ से ये मोटरसाइकिल आई है, तो इसी रास्ते से जो कच्चा माल है ट्रैक बिछाने के लिए वो लाया जा रहा है। और अब इधर हम दिखाते हैं तो देखिए स्लीपर यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ बैलास नहीं डाली गई है। ये सामने हॉल्ट का नज़ारा, तो यहीं तक बैलास डाला गया है और थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है केवल क्रॉसिंग की वजह से। तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट काम की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये था अकेला हंसपुर हॉल्ट से आज तक का ओवरऑल व्यू, फुल अपडेट जो गोपाल भाई ने भेजा। हम उम्मीद करते हैं गोपाल भाई हमें भी आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे, हम उनके माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जो बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।